हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल डॉलीडर में। दोस्तों, आज है 19 मार्च और हम डिस्कस करने वाले हैं 19 मार्च के करेंट अफेयर्स के बारे में और इसके इतिहास के बारे में भी। और आज मैं कुछ आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूँ, जिसको आप तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए, आपको पता चलेगा कि आज क्या है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो भी मिलते रहेंगे। और हमें ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर और भी करेंट अफेयर्स से चीज़ें रिलेटेड आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, जो जिसको शॉर्ट में S&P बोलते हैं, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 2020 के लिए भारत की GDP कितनी रहने का अनुमान लगाया है। A 2.9%, B 5.2%, C 5.7% और D -1.2%। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन B 5.2% जो है, ये जो S&P ग्लोबल है इसने बताया कि 5.2% भारत की GDP रह सकती है कब, 2020 में, मतलब हमारे जो अभी का जो फिजिकल ईयर है उसमें, फाइनेंशियल ईयर। और ये जो 2.9 है ये चाइना के लिए है। चाइना का उन्होंने बताया कि 2.9 रहेगा, इंडिया का 5.2 रहेगा और जापान का जो GDP रहेगी वो 1.2 रहेगी। जो अर्लियर उन्होंने लगाया था, मतलब अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जब बताया था, तो उन्होंने बताया था कि ये जो है 5.7 रहेगा 2020 के लिए। लेकिन जो कोरोना वायरस के कारण जो ये पूरे इकोनॉमिक डाउन हो रही है और बाकी सारी चीज़ें हो रही है, तो इसके कारण उन्होंने इसकी घटा दिया है, इसको 5.2 कर दिया। और चीन का उन्होंने 4.7 रखा था, जिसको घटाकर उन्होंने 2.9 कर दिया है। और जापान का उन्होंने माइनस में 0.4 रखा था, जिसको बढ़ा के उन्होंने, मतलब घटा के उन्होंने 1.2 कर दिया है। ग्राहकों की सुविधा के लिए ICICI बैंक ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। A ICICI स्टैक, B योनो, सी हम सफर, और डी आई मोबाइल। तो सी ऑप्शन है ऑप्शन ए ICICI स्टैक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण जो है सारी चीज़ें लगभग बंद हो रही, तो ICICI बैंक ने जो है इस चीज़ से उबरने के लिए, इस चीज़ से ग्राहकों को फ़ायदा देने के लिए उसने ICICI स्टैक लाया है, जिसमें क्या है कि ग्राहक जो है अपने घर पर बैठे ही बैंक में जो भी वो काम करते हैं, बैंक से होने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं, वो सारी चीज़ें इस सुविधाएं पे, इस ऐप पे वो सारी सुविधाएं मिल जाएगी। इवन उन्हें अगर कोई FD करना है या कोई उन्हें अकाउंट खोलना है, सेविंग अकाउंट तक वो खोल सकते हैं इस ऐप के थ्रू। इस ऐप पे जाके वो सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद योनो का है, तो योनो जो है SBI का है, SBI का ऐप है, जिसमें आप, मतलब SBI का मोबाइल ऐप है ऑनलाइन बैंकिंग के लिए। हम सफ़र क्या है, तो हम सफ़र जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम था हम सफ़र। तो ये जो हम सफ़र ऐप है ये डीजल के लिए है। किसके लिए, डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए। डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी मतलब आपके घर तक डीजल आएगा अगर आप इस ऐप से ऑर्डर करते हैं तो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ICICI के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ICICI का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये हो गया ICICI, ये फुल फॉर्म याद रख ली, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो जून 1994 में वडोदरा में। वडोदरा कहाँ है, तो गुजरात में है, वडोदरा में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसके जो CEO है उनका नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। सॉरी, चेयरमैन का नाम है, CEO नहीं, इनके चेयरमैन है, चेयरमैन का नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। मोदी मैंडेट 2019 के लेखक कौन है, तो ये एक बुक है मोदी मैंडेट, तो इसके राइटर कौन है। ए अमित देवन, बी तवलीन सिंह, सी प्रदीप भंडारी और डी सुदीप नागरकर। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी प्रदीप भंडारी, एक ये न्यूज रिपोर्टर भी हैं और ये एंटरप्रेन्योर भी है। तो उन्होंने मोदी मैंडेट 2019 के बारे में लिखा है कि कैसे लोगों ने जो है, लोगों ने क्यों और कैसे जो है मोदी के लिए वोट किया, क्यों वोट किया मोदी के लिए, इसके लिए उन्होंने इस बुक को लिखा है। अच्छा, कल के वीडियो में मैंने आपको तवलीन सिंह के एक पुस्तक के बारे में, कल नहीं परसों के वीडियो में, मतलब 17 तारीख के वीडियो में मैंने तवलीन सिंह के एक पुस्तक के बारे में बताया था। तो आपको उस जो बुक का नाम है आपको कमेंट करके बताना है। ये कब के वीडियो में मिलेगा था आपको, 17 मार्च के वीडियो में इसके बारे में मिलेगा कि तवलीन सिंह ने कौन सा बुक लिखा है। पेटीएम पेमेंट बैंक्स लिमिटेड के CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। ए अथानु कुमार दास, बी सतीश कुमार गुप्ता, डी रजनीश कुमार, सी रजनीश कुमार और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सतीश कुमार गुप्ता जो है पेटीएम पेमेंट बैंक के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर है। अथानु कुमार दास कौन है, तो ये जो है बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंक ऑफ इंडिया है
उसके जो सीईओ और एमडी है वो अथानु कुमार दास है, रजनीश कुमार जो है एसबीआई का चेयरमैन है, एसबीआई के जो है रजनीश कुमार है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्यों है अभी, तो जो पेटीएम पेमेंट बैंक है इसने कहा है कि लगभग ये जो है 1 करोड़ मतलब 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ जो है लोगों को ये क्या जो है क्रेडिट कार्ड इशू करने वाली है, वर्चुअल क्रेडिट और डेबिट कार्ड ये इशू करेगी। तो इसके लिए यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसके सीईओ कौन है। गूगल क्लाउड ने किसे भारत में अपना प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है, मतलब प्रबंधक निदेशक मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी। तो गूगल क्लाउड के इंडिया एमडी कौन है, ए करण बाजवा, बी राहुल कुमार, सी संजय गुप्ता और डी इनमें से कोई नहीं है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए करण बाजवा जो है गूगल क्लाउड के नए एमडी बने हैं। संजय गुप्ता कौन है, तो संजय गुप्ता जो है गूगल इंडिया के जो है जो गूगल है गूगल इंडिया के ये जो है मार्केटिंग मैनेजर है, मतलब ये संजय गुप्ता है। आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया है, ए 15 मार्च, बी 16 मार्च, डी 17 मार्च और सी 17 मार्च और डी 18 मार्च। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 18 मार्च को जो है आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। अच्छा 15 मार्च को क्या मनाया था, तो 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे, विश्व उपभोक्ता दिवस जो मनाते हैं वो 15 मार्च को मनाते हैं। ब्रेक द चेन अभियान किस राज्य ने शुरू किया है, ए कर्नाटक, बी केरल, सी हरियाणा और डी बिहार। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, केरल ने जो है कोरोना वायरस को लेकर ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया कि आप मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों से ये अपील किया है कि आप जो है स्टे इनसाइड द होम मतलब आप घर के अंदर रहिए, तो उसके लिए ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया है। कर्नाटक ने क्या किया था, कर्नाटक ने नमस्ते ओवर हैंडशेक प्रोग्राम शुरू किया था। उसके बाद हरियाणा क्या है, तो हरियाणा जो है पहला स्टेट है जिसने कोरोना वायरस को आपातकाल घोषित किया था। और बिहार ने जो अभी अभी जो हाल में ही कल ही बिहार ने जो है बिहार को आपातकाल मतलब कोरोना वायरस को एक महामारी घोषित कर दिया। देख लीजिए केरल को मैप पे, ये केरल यहाँ पे है इंडिया के सबसे मतलब क्या है साउथ मोस्ट में, साउथर्न मोस्ट है ये, यहाँ पे ये केरल है, केरल के बगल में ये तमिलनाडु है। तो केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था, राजधानी तिरुवनंतपुरम में, सीएम का नाम पी वी जैन है और राज्यपाल का नाम आरिफ मोहम्मद खान है। भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता लाने के लिए भूमि राशि पोर्टल किसके द्वारा शुरू की गई, तो जो पोर्टल का नाम हो गया है भूमि भूमि राशि पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ए कृषि मंत्रालय, बी भारतीय रेलवे, सी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और डी खेल मंत्रालय। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जो है भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता लाने के लिए भूमि राशि नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है, शुरू किया है। एक्चुअली अभी तक आप देख रहे हैं कि जैसे कभी भी सड़क बनाने के लिए या कोई भी जो सरकारी कंस्ट्रक्शन करने के लिए भूमि की जरूरत होती है, सरकार क्या करती है ये भूमि जो है मेनली किसानों से या जिससे भी लेती है तो उनको उसके बदले पैसे देती है, वो लगभग जो पैसे होता है वो 3 गुना होता है। तो कभी कभी क्या होता है इसमें बहुत ज़्यादा घोटाला हो जाता है कि किसी की भूमि किसी की ज़मीन ले ली जाती है उसको पैसा नहीं मिलता है या उसको कम पैसा मिलता है, तो उसके लिए उस सब चीज़ों को हटाने के लिए भूमि राशि नाम का एक पोर्टल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इशू मतलब लॉन्च किया है ताकि लोगों को वहाँ जाकर अपने बारे में सारे अपने भूमि के बारे में सारी जानकारी ले सकें। अच्छा ये जो मैं नए की बात कर रहा था तो वही है, आज मैं वन लाइनर की जगह एक टॉपिक लेके आया हूँ कि बायबैक क्या होता है। आप अभी शेयर मार्केट में देख रहे हैं कि शेयर मार्केट बहुत नीचे जा रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चला जाता है, तो इसमें आप बहुत बार सुन रहे हो कि बायबैक कंपनी अपने शेयरों को बाय बाय करेगी, मतलब बाई बैक जो बाई बोलते हैं बाई बैक BEYBACK बाई बैक, तो क्यों करती है। ये होता क्या है कि कंपनी जो कोई भी कंपनी जो है अपने शेयर जो है निवेशकों से खरीदती है, लाइक जैसे आप कोई किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और कंपनी ने आपसे जो है शेयर खरीद लिया तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बायबैक के नाम से जानते हैं। और ये कब होता है, जब बाजार में गिरावट आती है और जिस कंपनी को अपने शेयर पर भरोसा रहता है वह बायबैक करती है, मतलब कंपनी क्या करती है जब बाजार में गिरावट आ रही होती है तो कंपनी जो है अपने शेयर को खरीद लेती है, उसको अपने शेयर पर भरोसा होता है तो वो अपने शेयर को खरीद लेती है, और जब बाजार जब मार्केट जब डाउन ऊपर जा रहा होता है तो ऊपर जा रहा था तो कंपनी क्या करती है उस शेयर को बेच के बेच देती है, जैसे कंपनी को भी प्रॉफिट होता है और कंपनी के जो है वैल्यू भी बनी रहती है, क्योंकि जब कंपनी जब बायबैक करना शुरू कर देती है तो शेयर का दाम जो है ज़्यादा नीचे नहीं आता, वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो ये चीज़ आज के लिए आज नया था और मैं ट्राई करूँगा कि डेली का डेली जो है वन लाइनर की जगह इसी चीज़ को मैं लेकर आऊँ ताकि आपको हर दिन एक नए टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होता रहे।
चलिए अब 19 मार्च के इतिहास की बात करते हैं। तो मैंने 15 मार्च को भी बताया था कि 15 से 19 मार्च के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टार्ट हुआ था। तो वो पहला जो है क्या हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 45 रन से हराया था। ये पहला जो है टेस्ट मैच था, पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में 1877 में खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जो है इंग्लैंड को 45 रन से हराया था। उसका ल्यूमियस ब्रदर्स ने जो 1895 में अपने नए पेटेंट सिनेमाटोग्राफ से पहला फुटेज रिकॉर्ड किया था। तो जो सबसे पहला फुटेज जो रिकॉर्ड किया जाता है वो जो है 1895 में किया गया था, 19 मार्च के दिन ही। उसके बाद कनाडा की राजधानी ओटावा में 1990 में महिलाओं के लिए पहली विश्व आइस हॉकी प्रतियोगिता आयोजित की गई। मतलब पहली जो है आइस हॉकी, महिलाओं के लिए पहली आइस हॉकी प्रतियोगिता कब हुआ था 1990 में, कब हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो ओटावा में हुआ था। ओटावा कहाँ है, तो कनाडा की राजधानी है। दोस्तों हमारा वीडियो आज यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे के वीडियो मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।